अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, एएसई इंफोटेक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ऑटो लेवल के बेसिक नॉलेज के बारे में बताऊंगा। सर्वे का ये एक पार्ट है और इंजीनियरिंग का भी एक पार्ट है। कंस्ट्रक्शन फील्ड में चाहे वो रोड वर्क हो, बिल्डिंग वर्क हो या फिर ब्रिज वर्क हो, किसी भी लेवलिंग कार्य में ऑटो लेवल का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। ऑटो लेवल यूज हम क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पस है, लेवलिंग किसे कहते हैं, लेवल क्यों करते हैं, इसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेवल किसे कहते हैं, पर्पस ऑफ लेवलिंग, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ मशीन, पार्ट्स ऑफ लेवल मशीन, टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ, सॉलिड स्टाफ, होल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोप स्टाफ। लेवल किसे कहते हैं, लेवल का क्या पर्पस है, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, लेबलिंग का इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, ये इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके के होते हैं, पार्ट्स ऑफ लेबलिंग मशीन, लेबल मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लेबलिंग स्टाफ, लेबल स्टाफ कितने तरीके के होते हैं, सॉलिड स्टाफ किसे कहते हैं, फोल्डिंग स्टाफ किसे कहते हैं, टेलीस्कोप स्टाफ किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लेवल किसे कहते हैं। दोस्तों, ये बंगाली, इंग्लिश और हिंदी, इन तीनों में करने का मेरा मकसद ये था कि मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कुछ बंगाली भी हैं, हिंदी भी हैं, इंग्लिश तो सभी के लिए है, इसीलिए मैं तीनों लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। बंगला में लेवल किसे कहते हैं, भूतो सापेक्षे विभिन्न स्थाने विभिन्न उच्चताय अवस्थितो लक्ष्य वस्तुर पारस्परिक उलम्ब दूरत्व ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স নির্ণয় করাকে লেভেলিং বলে। इंग्लिश में कहेंगे, लेवलिंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए टारगेट लोकेटेड एट डिफरेंट हाइट्स इन डिफरेंट प्लेसेस रिलेटिव टू द क्रस्ट। क्रस्ट के सापेक्ष अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऊंचाई पर स्थित लक्ष्य के वर्टिकल डिस्टेंस का निर्धारण करने को लेवलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग पर्पस को मैं यहाँ पे दो पॉइंट बताया हूँ लेवलिंग पर्पस के लिए। जी, ये एक पॉइंट है, कोनो उपांत तलेर कोनो स्थानेर वर्टिकल डिस्टेंस निर्णय करा। दूसरा नंबर पॉइंट है, ओ उपांत तलेर सहाज्ये लक्ष्य वस्तुर स्थानीयकरण। इसी को अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो कहेंगे, डिटरमिन द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ऑन ए पेरिफेरी। दूसरा नंबर है, लोकलाइजेशन ऑफ टारगेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ सब सरफेस। इंग्लिश, अगर हिंदी में कहना चाहें तो परिधि पर किसी स्थान की ऊर्ध्वाधर दूरी निर्धारित करें। दूसरा नंबर में आ जाएगा, उस सीमांत सतह के सापेक्ष लक्ष्य वस्तु का स्थानीकरण। हम लोग थर्ड नंबर पेज पे जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग को कहेंगे, अनुभूमिक तलेर सापेक्षे कोनो स्थानेर उलम्ब दूरत्व निर्णय करा। दोस्तों, ये जो थ्योरी है, अगर इसका एक एक डेफिनेशन अच्छे
अच्छे से अगर आप प्रैक्टिकल में किसी के साथ साथ जानना चाहें तो फिर प्रैक्टिकल में बनाने के लिए काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए मैं अभी उधर नहीं जाना चाहता हूँ, बस कि एक थ्योरी क्लास में जिस तरीके से थ्योरी को बताया जाता है, आप सिर्फ इसी थ्योरी पे ध्यान दें, ताकि आपके नॉलेज के लिए याद रखना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी इंटरव्यू में अगर आपको इस सब के बारे में पूछ ले लेवल के संबंधित, तो आप जवाब दे सकें। प्रैक्टिकल के लिए तो आप प्रैक्टिकल में बताएंगे ही, लेकिन अगर उसका डेफिनेशन आपसे पूछ ले तो आप ये बात बताएंगे। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हमारा होना चाहिए? लेवल मशीन, लेवल स्टाफ, ट्राइपॉड। ये देखिए हमारा ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टाफ है, ये स्टैंड है, आप रजिस्टर रख सकते हैं, और इस बॉक्स के अंदर आपको कई सारे मैनुअल मिल जाएंगे, साउल मिल जाएंगे, एलएनटी उसमें इसके अंदर रहता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेवल मशीन, लेवल मशीन कितने तरीके के हो सकते हैं या फिर कितने तरीके के हैं? ऑटो लेवल, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये लेवल इंस्ट्रूमेंट है, हर एक साइड पे इंजीनियर्स के पास, सर्वेयर के पास ये ऑटो लेवल रहता ही है। डंपी लेवल, जो कि आज के डेट में बहुत कम यूज किया जाता है, ये पहले के दौर में बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन अभी ये बहुत कम दिखने को मिलता है। टिल्टिंग लेवल, वे लेवल, रिवर्सिबल लेवल, माइक्रो लेवल, डिजिटल लेवल। अब देखिए लेवल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं? तो देखिए इसमें 3 फुट स्क्रू होते हैं। ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट को लेवलिंग करने के लिए, बबल को सेंटर पे लाने के लिए ये फुट स्क्रू यूज किया जाता है, एक उस साइड पे है। तो ये 3 होते हैं। उसके बाद इसमें टेलीस्कोप है, बबल ट्यूब्स हैं, फोकसिंग स्क्रू हैं, ऑब्जेक्ट ग्लास है, आईपीस है, बबल मिरर है, टारगेट है। नेक्स्ट में जाते हैं। टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ का कितना तरह है? एक नंबर में है सेल्फ रीडिंग स्टाफ, दूसरा नंबर टारगेट स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या है? तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स ऑफ सेल्फ रीडिंग स्टाफ। एक नंबर में आ जाएगा सॉलिड स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोप स्टाफ। बात करेंगे सॉलिड स्टाफ किसे कहते हैं? तो सॉलिड स्टाफ ये 3 मीटर हाइट्स, मेड ऑफ थिक वुड, ये सेगुन काठे तोरी, 3 मीटर उच्चता, 3 मीटर की ऊंचाई का लकड़ी का बना हुआ ये स्टाफ है। देखिए हिंदी में कह रहे हैं, सागौन की लकड़ी से बना 3 मीटर ऊंचा, मतलब फोल्डिंग स्टाफ। फोल्डिंग स्टाफ करेंटली 4, 5, 6 मीटर हाइट, मेड ऑफ एल्यूमिनियम, लिस्ट काउंट इन 5 mm, मतलब ये वर्तमान में एल्यूमिनियम दिए तोरी, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर उच्चता, लिस्ट काउंट इन 5 mm, वर्तमान में 4, 5, 6 मीटर ऊंचे एल्यूमिनियम से बना है। मतलब कि फोल्डिंग स्टाफ जो है ये 4 मीटर का भी मार्केट में आते हैं, 5 मीटर का भी आते हैं और 6 मीटर का भी आता है, और ये एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता है जिसका लीस्ट काउंट है 5 mm। टेलीस्कोप स्टाफ, इट इज यूजुअली मेड ऑफ मेहोगनी वुड, 4 मीटर हाई, लीस्ट काउंट इन 5 mm। এটি সাধারণত মেহগনি কাঠের দিয়ে তৈরি করা হয়, 4 মিটার উচ্চতা। ইয়ে আমতর পর মেহগনি কি লকড়ি সে বনা হতা হয় যো 4 মিটার উচা উচা হতা হয়। দোস্ত
आज का टॉपिक हमारा यहीं तक लेवल के बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर किया हूँ उसके रिलेटेड और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। आपको क्या जानना है टीएस के बारे में हो, ऑटो लेवल के बारे में हो, ऑटो कैड के बारे में हो, सर्वे के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिल से पूछ सकते हैं। मैं सलाम वालेकुम।